हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो के अंदर। और आज मैं व्हाइट बोर्ड लेके आ चुका हूँ मार्कर के साथ। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं दो बैंड पास बुक्स के बारे में। पहले इनका डिज़ाइनिंग देखेंगे। और अभी आपको मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि अगर आपको डीप बेस चाहिए, आपको एक अच्छा पर्टिकुलर किसी फ्रिक्वेंसी पर बेस्ड साउंड सिस्टम चाहिए, 40 हर्ट्ज़ हो गया, 50 हर्ट्ज़ हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 40 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, ठीक है, कुछ भी फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड आपको साउंड सिस्टम चाहिए, तो उसका आपको एक नियम तो पता होना चाहिए कि हमको बैंड पास बॉक्स ही लेना पड़ेगा। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड हमको साउंड चाहिए तो उसके लिए मैं आपके यहाँ पे दो इंक्लोज़र लेके आया हूँ, फोर्थ ऑर्डर के 8 इंच के सबवूफर के साथ में। मैं आपको साइज़ भी दूंगा कि फोर्थ ऑर्डर अगर आप बैंड पास बनाना चाहते हो तो 8 इंची सबवूफर के साथ में आप किस साइज़ पे वो बॉक्स बना सकते हो, MDF का साइज़, आपको बॉक्स का साइज़ पैरामीटर वगैरह सारा दूंगा लास्ट में इस वीडियो के अंदर, फोर्थ ऑर्डर का। और सिक्स्थ ऑर्डर का मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा, इसका वर्किंग समझाऊँगा, कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँगा। आप चाहते हो तो घर पे बना सकते हो आराम से, कैसे काम करता है, इनका बेस जो है किस टाइप से निकलता है, बॉक्स के अंदर का डिज़ाइन किस टाइप का होता है, बॉक्स के अंदर कितनी दूरी पर क्या कसा रहता है, कितनी दूरी पर कौन सा स्पीकर या कौन सा सब ऊपर कसा रहता है, बॉक्स के अंदर पाइप की जो पोर्ट की लेंथ होती है वो कितनी रखनी चाहिए, पोर्ट की जो चौड़ाई होती है वो कितनी रखनी चाहिए, बैंड पास का आपको लगभग जितना होता है, मैं सब कुछ आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊँगा बैंड पास और बॉक्स के बारे में थोड़ा सा, और फिर फोर्थ ऑर्डर और फिर सिक्स्थ ऑर्डर के बारे में सीधा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दूंगा। तो पहले बात करते हैं स्पीकर इन्क्लोज़र में बैंड पास बॉक्स होता क्या है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे पास्ट में जाना चाहूँगा। मैं तीन आपको इन्क्लोज़र हर बार बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ, तीन इन्क्लोज़र होते हैं अपने मोस्टली, एक ये दूसरा और ये आपका तीसरा, ठीक है, ये तीन इन्क्लोज़र होते हैं आपके मोस्टली, ये होते हैं। अब इसके अंदर जो पहला इन्क्लोज़र होता है वो होता है आपका सील इन्क्लोज़र, ठीक है, ये आपका सील इन्क्लोज़र बन गया, ये आपका सील इन्क्लोज़र बन गया। इसके अंदर यहाँ पे हवा जो अंदर की होती है वो अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकल पाती है, और जो बाहर की हवा है वो अंदर नहीं आ पाती, यानी कि ये चारों तरफ से पैक होता है, इसको बोलते हैं अपन सील इन्क्लोज़र, ठीक है। और ये होता है आपका पोर्टेड इन्क्लोज़र। इसके अंदर क्या होता है, कुछ ज़्यादा गणित नहीं होती, केवल एक पोर्ट लगा रहता है और एक स्पीकर कसा रहता है, सिंपल सा आपका एक स्पीकर कसा रहता है। तो इसमें क्या होता है, अब मेरे पास मार्कर है, मैं आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। एक तो बाहर की तरफ जो ऑडियो जाती है, ठीक है, वो मैंने काले पेन से डिनोट कर दी, और एक जो अंदर की तरफ ऑडियो रहती है, जो अंदर का बेस है, ठीक है ना, ये वाला, ये अंदर गूंजता है और गूंजने के बाद में कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है वो बाहर आती है, तो इसको बोलते हैं अपन पोर्टेड बॉक्स, यानी कि जो पोर्ट के साथ में होता है वो पोर्टेड होता है। वहाँ तक तो मेरा हाथ पहुँच नहीं रहा है, तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। अब अपन ड्रॉ कर लेते हैं बैंड पास बॉक्स। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक डिज़ाइन बनाऊँगा बैंड पास के लिए, ये आपका हो गया बैंड पास बॉक्स। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बैंड पास कभी भी चारों साइड से एक जैसा नहीं होता है। तो ये आपका बॉक्स का डिज़ाइन आपने सामने आ चुका है। अब आपने एक चीज़ नोटिस कर ली कि भाई जो ये हमेशा हाइट होती है बैंड पास की ज़्यादा रहती है, कभी भी एक जैसा नहीं होता है बॉक्स। अब उसके अंदर और स्पेशल क्या होता है, तो उसके अंदर बीच में एक पार्टीशन होता है जो कभी भी बीच में बिल्कुल 50% पर नहीं होता है। ये जो 50% इसको आधा करना चाहे तो आधा यहाँ से होगा बीच में से, तो हमेशा पार्टीशन बीच में कभी नहीं होता है बैंड पास का। बैंड पास का पार्टीशन हमेशा कुछ इस टाइप से होता है कि आपका जो ये अंदर वाला साइड है जहाँ पर मैग्नेट कसाएगी, कैसे कसाएगी मैं आपको एक बार ये बताता हूँ। ये आपका स्पीकर बन गया यहाँ पर अंदर की तरफ, ठीक है, ये आपका स्पीकर यहाँ पर लग चुका है, जो ये पैक रहेगा पूरा साइड अंदर की तरफ जो रहेगा ना ये पैक रहेगा। तो ये जो मैग्नेट वाला साइड है यहाँ पर थोड़ी जगह कम रहती है बॉक्स के अंदर, और जो ये ऊपर वाला साइड होता है पोर्ट वाला, यहाँ पर पोर्ट लगने वाला है, वहाँ पे रहती है ज़्यादा जगह, बहुत ज़्यादा जगह रहती है वहाँ पे। तो ये होता है आपका बैंड पास। लेकिन ये तो मैंने आपको कब से ही समझा दिया था कि बैंड पास तो कुछ इस टाइप का होता है ना। अब यहाँ पे पोर्ट भी बना देते हैं, तो पोर्ट हमेशा जो ये कोण होता है इसके ऊपर की तरफ, यानी सामने नहीं होता है, कभी लेफ्ट होगा, राइट होगा या ऊपर की तरफ होगा, तो अपन यहाँ पे ये ऊपर की तरफ पोर्ट को बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा डिज़ाइन होता है बैंड पास का। और अब फोर्थ ऑर्डर की बात करें तो भाई फोर्थ ऑर्डर में से क्या स्पेशल होता है, तो अब चलते सीधा फोर्थ ऑर्डर पर, मैं आपको फोर्थ ऑर्डर एक्सप्लेन करता हूँ। जिनको ध्यान से देखना, ये फोर्थ ऑर्डर का एक रेयर डिज़ाइन है जो कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का 40 हर्ट्ज़ पे ट्यून बेस निकालता है, ये वाला डिज़ाइन। और इसका जो पैरामीटर्स है वो आपको लास्ट में बता ही दूंगा जैसे कि मैंने आपको कहा था। तो शुरुआत करते हैं बनाना, कुछ इस टाइप से बनेगा आपका ये फोर्थ ऑर्डर का जो मैंने बताया एकदम स्पेशल डिज़ाइन है वो वाला।
अब ये पहले मैं एक बार एक 2D में बना रहा हूँ, फिर मैं बनाऊँगा 3D के अंदर, ठीक है। तो ये एक बार के लिए आपका बॉक्स हो गया, किस टाइप से हाइट ज़्यादा हो गई ये मैंने आपको बताया था, इस टाइप से आपका बॉक्स कंप्लीट हो गया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर जो बेस होता है वो कहाँ से आता है। तो ये जो बॉक्स का ये जो लंबाई है ये हमेशा इतना ही रहेगा, लेकिन ये 3D के अंदर कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ इस टाइप से बनेगा आपका बॉक्स जो होगा ना फोर्थ ऑर्डर के अंदर, इस टाइप से बनेगा। अब इसके अंदर यहाँ पे एक पार्टीशन होगा जो कि बेसिकली यहाँ पर करना पड़ेगा अपने, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो पोर्ट के साइड रहता है जगह वहाँ पे ज़्यादा जगह रहता है। तो यहाँ पे आपका एक पार्टीशन बनेगा कुछ इस टाइप से, इसको मैं यहाँ से एक बार के लिए 3D में सही से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको भी समझ आएगा क्या बना रहा हूँ। एक बार के लिए मुझे टाइम दीजिए, मैं इसको सही से बना लेता हूँ। तो ये होता है 3D के अंदर कुछ इस टाइप का फोर्थ ऑर्डर का डिज़ाइन। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है आगे वाला जितना भी, ठीक है ना, तो ये होता है बेसिकली एयर के लिए, मतलब कि जो ये कोन वाला साइड होता है ये हमेशा आगे की तरफ रहता है, ठीक है ना, और जगह हमेशा आगे की तरफ ज़्यादा रहती है। ये वाला जो हिस्सा है लगभग ये 60% है, और ये पीछे वाला है ये लगभग 40% है अंदाजन। तो ये जो 60% वाला पार्ट होता है उस तरफ कोन रहता है हमेशा, इस चीज़ को आप कभी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस कोन का फेस पीछे की तरफ कर दो 40 वाले की जगह, तो फ्रीक्वेंसी पूरा गड़बड़ा जाएगा। आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, 60% है उस वाले साइड पे आपका ये कोन है ये रहेगा, और इस कोन के जस्ट ऊपर यहाँ पर दो पट्टियाँ लग रखे, मतलब कि 2 MDF की शीट लग रही है, शीट नंबर फर्स्ट, शीट नंबर सेकंड, शीट नंबर थर्ड। जो ये वाली शीट है ये पूरी तरीके से पैक है, पूरी तरीके से बंद है, ठीक है। ये भी मैंने 3D के अंदर आपको दिखा रखी, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट यहाँ पे शो हो रही है। तो ये वाली तीसरे नंबर वाली शीट है ये पूरी तरीके से पैक रहेगी, जो ये बॉक्स के अंदर लगी रहेगी दूसरे नंबर वाली शीट, इसका सारा खेल है। तो दूसरे नंबर वाली शीट पर कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं, आपकी नज़र जा रही होगी यहाँ पर, ये आपकी शीट कुछ इस टाइप से दिखेगी 2D के अंदर। तो यहाँ पर 2D के अंदर ये नीचे आपका लग जाएगा सब ऊपर, और उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर लग जाएगा पोर्ट, कुछ इस टाइप से रहेगा डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन जो ये इस साइड से देखना चाहें तो कैसी दिखेगी, तो इस साइड से सेम दिखेगी, लेकिन यहाँ पीछे की तरफ आपका मैग्नेट रहेगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पीछे की तरफ आपका मैग्नेट रहेगा, और ये बॉक्स का आगे के साइड ज़्यादा वाला जगह बना देता हूँ मैं फटाफट। ये कुछ इस टाइप से आप समझ गए होंगे कि आगे की साइड ज़्यादा जगह रहेगा, पीछे की साइड कम जगह रहेगा। अब मैं एक बार 2D डिज़ाइन दिखाता हूँ, 2D के अंदर ये किस टाइप से काम करता है। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा आपका फोर्थ ऑर्डर का 2D डिज़ाइन, जिसके अंदर 20% भाग के अंदर आपका मैग्नेट वाला साइड रहेगा, 80% भाग के अंदर आपका कोन वाला साइड रहेगा, और 20% भाग में ही ऊपर की तरफ ये लगेगा आपका पोर्ट। किस टाइप से लगेगा आपको मैंने पहले 3D के अंदर समझाया था, अभी भी इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि किस टाइप से काम होएगा। आता हूँ, ये जो आपकी एयर है इस बॉक्स की, ये वाली एयर इस पोर्ट के ज़रिए बाहर निकल रही है, और जो इस वाले बॉक्स की एयर है वो मैं ब्लैक से डिनोट कर देता हूँ। तो ये वाली जो एयर है ये कभी बाहर जा ही नहीं रही है, ये वाली एयर अंदर की अंदर है, और ये जो एयर है ये कुछ इस तरीके से बाहर जाएगी फोर्थ ऑर्डर के अंदर। आपको अब समझ आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और फोर्थ ऑर्डर का डिज़ाइन आपको अब लगभग समझ आ गया होगा कि फोर्थ ऑर्डर का डिज़ाइन क्या होता है। ये फोर्थ ऑर्डर का डिज़ाइन है। अब इसी के अंदर मैं आपको 8 इंची के सब ऊपर के साथ में पैरामीटर भी बता देता हूँ, ताकि अगर आपको घर पर बॉक्स बनाना है तो आप आराम से बना सकते हो। तो बॉक्स की हाइट कितनी होगी, तो हाइट मैं आपको बता देता हूँ, आपको लेनी है हाइट यहाँ पे 16 इंची हाइट लेनी है, ठीक है, 16 इंची, या फिर आप अंदाजन 17 इंची तक ले सकते हो, या फिर 16.5 यानी 16.5 इंची तक आप हाइट ले सकते हो। और ये जो चौड़ाई है ये कितनी है इसकी बात कर लें, तो 14 इंची आपको ये वाली चौड़ाई रखनी है, जो डेप्थ होती है बेसिकली वो 14 इंची रखनी है, ठीक है। और अब यहाँ पे बात करते हैं सबवूफर ये कौन सा लेना है, तो ये आपको लेना है 8 इंची का, और यहाँ मस्ट है आपको सबवूफर ही लेना है, आपको वूफर नहीं लेना है। अगर आप वूफर लोगे तो सब काम ही गड़बड़ा जाएगा, आपको सबवूफर ही लेना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़, 14 इंची कम्प्लीट हो चुका है, 16 इंची अपना हाइट ले लिया है आपने, ये पोर्ट तो ये कितना गहरा लेना है, और एक ये इसका जो चौड़ाई है वो कितना है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 4 इंची का तो ये चौड़ाई है इसका, आप समझ लीजिए पहले एक बार, फिर क्या गहराई मैं आपको पैसे ही बता दूंगा कितनी है। और अब इसके अलावा अपना क्या चीज़ बच रहा है, इसके अलावा बच रहा है अपना ये डेप्थ कितना होगा, ये डेप्थ कितना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों डेप्थ आपकी कितनी कितनी है। जो ये अंदर वाली डेप्थ है ये आपकी है 6.5 इंची की,
ठीक है, इसको आप 6 इंची कर सकते हो, लगभग अंदाजन थोड़ा सा ऊपर चलता है तो 6 इंची इसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली जो आपकी डेप्थ है ये आपकी 7.5 इंची की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है, ये आपको मैंने लगभग सब बता दिया कि आपको कितना कितना क्या क्या लेना है। और अब कुछ कमी बच रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कमी क्या बच रही है। बच रही है MDF की मोटाई कितनी लेना है। तो MDF आपको 12 mm या फिर 8 mm का लेना है, ठीक है। ये चीज़ आप नोटिस कर लेना, 12 mm या 8 mm का MDF लेना है। जितना MDF मोटा लोगे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पोर्ट की चौड़ाई है वो कितनी है, तो आपको यहाँ पे समझ आ ही चुका होगा कितनी लेनी है। ये था वीडियो, और इसके अंदर मैंने आपको फोर्थ ऑर्डर अभी लगभग क्लियर कर दिया है। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिक्स्थ ऑर्डर का भी नॉलेज दूंगा, तो अब उसको स्टार्ट करते हैं कि भाई सिक्स्थ ऑर्डर के अंदर ऐसा क्या स्पेशल होता है। ये वाला बॉक्स आप बनाओगे तो मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर बहुत एक्सट्रीम लेवल का लो बेस मिलता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का। अगर ये 8 इंच का सबवूफर पे आपने 1200 रुपये खर्च कर दिया और एक ढंग का सबवूफर ले लिया और ये एक्सट्रीम बॉक्स आपने बना दिया, तो आपको जो कह सकते हैं कि साउंड के अंदर जो बेस सुनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका लो बेस है बेसिकली, तो वो इतना दूर तक सुनाता है जैसे कि मान लीजिए आपके घर के आसपास तक भी फील होगा कि कुछ ना कुछ बज रहा है, क्योंकि वो लो बेस है, वो समझ तो आता नहीं, केवल एक फील आता है कि हाँ कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है। तो वो चीज़ इसके साथ आराम से आप क्रिएट कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपन सिक्स्थ ऑर्डर पे, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। लगभग 12 बजने आ चुके हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अब सिक्स्थ ऑर्डर का भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का होता है आपका सिक्स्थ ऑर्डर बैंड पास। वो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, फोर्थ ऑर्डर और सिक्स्थ ऑर्डर के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है, और कंसेप्ट नहीं बदला है, कंसेप्ट सेम है। अभी भी जो आपका ये सबवूफर है ये बॉक्स के बीच में लगा हुआ है, और एक साइड आपका पोर्ट को जा रहा है, एक साइड भी आपको पोर्ट को जा रहा है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, जो पहले पार्ट अपना सील्ड रहता था वो अभी यहाँ पे सील नहीं रहा है, वो भी पोर्टेड हो चुका है। जो पोर्ट वाला पार्ट था वो तो अभी भी पोर्ट में ही है, लेकिन यहाँ पे पोर्ट पोर्ट की चौड़ाई में आपको लग रहा होगा कि मैंने गलती से ये छोटे बड़े बना दिए, लेकिन ये छोटे बड़े हैं, इनका डिस्टेंस अलग है आपस में। तो अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि भाई ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी के हिसाब से अलग अलग बना रखे हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। अब ये बॉक्स जो है इस साइड से 60 हर्ट्ज़ देगा, इस साइड से 50 हर्ट्ज़ देगा, और एक जो ओवरऑल एक्सपीरियंस आएगा वो अलग आएगा। और इसका जो डायमेंशन है ये काफ़ी तक क्रिटिकल होता है, इसलिए मैं इसको बनाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि यार कोई गलत डिज़ाइन मुझसे बन जाए और आप सेम बना लो, सेम नाप का बना लो और आपका बॉक्स ख़राब हो जाए, क्योंकि ये सामान वेस्ट करना यार हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट ज़रूर समझाया सिक्स्थ ऑर्डर बैंड पास का, और आपको अगर और एक्सट्रीम लो बेस की तरफ जाना है तो आप ये सिक्स्थ ऑर्डर पर रिसर्च मार सकते हो। इसका जो पावर है बहुत ही तगड़ा आता है, इसके अंदर आप 12 इंची 15 इंची तक का भी सबवूफर यूज़ कर सकते हो, और आपको लेवल जो है बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। तो आज आपने जाना कि यार बैंड पास के अंदर भी कितनी सारी चीज़ें होती है। केवल एक जो पोर्टेड बॉक्स बनता था पहले अपना, केवल एक जो पोर्टेड बॉक्स बनता था उससे ही काम नहीं चलता है, बहुत चीज़ें होती है जो कि वो जिस टाइप से भी एक्सप्लेन होती है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़ोर से बताना, चैनल में ज़ोर से सब्सक्राइब कर देना। दिमाग में कुछ भी आ रहा है डाउट, कुछ भी कमेंट करो, बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।